साल में आपको मिलेंगे 14,94,000, तकरीबन 15 लाख रुपए मिलेंगे 20 साल के अंदर अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो। 30 साल की बात करेंगे, 30 साल के अंदर आपको मिलेंगे 68,47,000। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक म्यूचुअल फंड कंपैरिजन वीडियो है जो कि होने वाली है HDFC टॉप 100 फंड और दूसरे तरफ हमारा SBI ब्लू चिप फंड, दोनों ही डायरेक्ट प्लान होने वाले हैं और इसके अंदर मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ दोनों को एक बाय एक, मीन्स एक दूसरे के सामने रखकर आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा कि आपको इसके अंदर कितना निवेश करने पर कितने पैसे मिलेंगे। अगर 1,000 रुपये SIP करते हैं तो आपको किसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा बिल्कुल आपको मैं क्लियर करके बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है। एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त रोहित तरुण गोला और स्वागत करता हूं मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण पर। तो आइए देखिए, एक तरफ जो हमारा फंड है ये है हमारा HDFC टॉप 100 फंड और दूसरी तरफ है हमारा SBI ब्लू चिप फंड। ये दोनों की दोनों जो है ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। रेगुलर ग्रोथ प्लान की मैं वीडियो जो बिल्कुल अलग लेके आऊंगा, ये हमारी जो वीडियो होने वाली है ये हमारी दोनों ही डायरेक्ट प्लान की वीडियो होने वाली है। आगे चलेंगे, बात करेंगे सबसे पहले इनके NAV की। देखिए NAV के अंदर बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है। अगर हम बात करें HDFC की तो देखिए HDFC का जो NAV है वो है 1,060 रुपये और वहीं अगर हम SBI की बात करें तो इसका जो NAV होने वाला है सिर्फ 85 रुपये होने वाला है। तो देखिए दोनों के जो प्राइस में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेज हैं। क्यों डिफरेंस है, आपको इस वाले में फ़ायदा होगा या इस वाले में फ़ायदा होगा, आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। आगे चलते हैं, देखिए आगे बात करेंगे रैंकिंग की। रैंकिंग दोनों की ही 4 स्टार होने वाली है। देखिए म्यूचुअल फंड की दुनिया के अंदर 5 स्टार रैंकिंग के जो फंड्स होते हैं उन्हें नंबर 1 माना जाता है और जो 4 स्टार रैंकिंग के फंड होते हैं उन्हें नंबर 2 माना जाता है। तो अगर देखा जाए इस तरीके से ये दोनों जो रैंकिंग है क्रिसिल की होने वाली है और दोनों को 4 स्टार की रैंकिंग मिली है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है क्रिसिल के मुताबिक। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पिछले 3 साल की रिटर्न्स की कि किस इन दोनों फंड्स ने किसने अच्छा परफॉर्म करा है और किसने कम रिटर्न्स दिए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे HDFC टॉप 100 फंड की। देखिए इसने पिछले 3 साल के अंदर जो रिटर्न दिए हैं वो दिए 21.44% और SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ने जो रिटर्न्स निकाल के दिए हैं वो दिए हैं 16.23%। दोनों के अंदर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। SBI वहीं काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं हमारे HDFC फंड से और HDFC ने जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा निकाल के दिए हैं पिछले 3 साल के अंदर SBI ब्लू चिप फंड से। आगे बात करते हैं इनके एवरेज रिटर्न की। एवरेज रिटर्न से मतलब है ये फंड जब से लॉन्च हुआ है और आज की रेट तक, मतलब 2024 तक, इसने हर साल एवरेज कितना करके दिया है। तो देखिए HDFC टॉप फंड जो है इसने जो रिटर्न निकाल के दिया है वो दिया है 14.87%। बात कर रहा हूँ एवरेज रिटर्न की। और जो SBI ब्लू चिप फंड होने वाला है उसने दिया है 15.75% का एवरेज रिटर्न, मतलब एवरेजिंग। अब इसमें अगर देखा जाए तो हमारा SBI HDFC टॉप फंड से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, तकरीबन 1% से थोड़ा कम रिटर्न निकाल कर ये दे रहा है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके चार्जेस की। चार्जेस के अंदर कौन ज़्यादा है किसके चार्जेस कम है, तो देखिए एग्जिट लोड की बात करूँ तो एग्जिट लोड दोनों का बराबर है। 1% चार्जेस लगेंगे आपके अगर आप अपना पैसा, जो आपने पैसा इसमें निवेश किया, आपने इसके अंदर लमसम करा, आपने इसमें SIP करी और वो पैसा आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो देखिए आपके ऊपर 1% का चार्ज लगेगा। जो भी आप पैसा उसके अंदर लगाएंगे उसका 1% चार्ज लगेगा और फिर आप अपना पैसा सारा विड्रॉ करवाएंगे। और अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो देखिए किसी भी तरीके के कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपकी SIP को या अगर आपके लमसम को 365 दिन से ज़्यादा हो चुका है तो किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लगेंगे। आगे बात करेंगे इनके एक्सपेंसेस रेशियो की। एक्सपेंसेस रेशियो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके जो रिटर्न्स होते हैं उनको कम और ज़्यादा करता है। वैसे तो दोनों ही डायरेक्ट प्लान है, दोनों आपको पता है डायरेक्ट प्लान के अंदर जो एक्सपेंसेस रेशियो होता है वो थोड़ा कम होता है रेगुलर ग्रोथ के मुकाबले। अब देखिए HDFC टॉप 100 की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.08% और हमारा SBI ब्लू चिप फंड का जो है उसका है 0.85%। तो उस तरीके से देखा जाए तो दोनों के अंदर तकरीबन मैं बात करूं 20 पैसे मतलब 0.2022 के आसपास, 0.22 के आसपास का जो डिफरेंस है, SBI के अंदर चार्जेस कम है
तो इस तरीके से SBI आपको ज़्यादा रिटर्न निकाल के देगा क्योंकि उसके चार्जेस कम है। आगे चलेंगे, अब बात करते हैं देखिए टैक्सेस की। टैक्सेस हमारे दो तरीके के होते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके टैक्सेस ऑन म्यूचुअल फंड सर्च कीजिए, आपको वीडियो निकल के आ जाएगी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको बता दूँ LTCG हमारा 10% है और STCG हमारा है 15%, और दोनों ही फंड्स के अंदर जो टैक्सेस हैं वो सेम रहेंगे। 1,00,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपके हो जाएंगे और 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो 10% टैक्स लगेगा, 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो फ्लैट 15% पैसा जो टैक्सेस है वो लगने वाले हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इनके AUM की, असेट अंडर मैनेजमेंट। देखिए असेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है वो होता है उस म्यूचुअल फंड की जिसका AUM की बात कर रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड स्कीम के टोटल उसकी वैल्यू की बात करते हैं, मार्केट वैल्यू की बात करते हैं कि उसके अंदर कितना पैसा है, जितना पैसा लगा हुआ है उस पैसे की मार्केट वैल्यू कितनी है। तो अगर HDFC टॉप 100 फंड की बात करें तो इसका AUM है 30,262 करोड़ रुपए, और अगर SBI ब्लू चिप फंड की बात करें इसका AUM है 43,487 करोड़ रुपए। SBI ब्लू चिप का जो AUM है वो HDFC से ज़्यादा है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करेंगे रिस्क की, किसके अंदर ज़्यादा रिस्क है और किसके अंदर कम रिस्क है। तो अगर मैं बात करूँ रिस्क की तो देखिए रिस्क तो दोनों के अंदर ही बराबर है, रिस्क फैक्टर दोनों को हाई है क्योंकि आप जो निवेश कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं मार्केट के अंदर, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर। मानता हूँ डायरेक्ट शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं लेकिन आपका पैसा घूम फिर के हो तो मार्केट के अंदर ही निवेश रहा है और शेयर्स के अंदर ही हो रहा है, भले ही वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो रहा हो। तो मेरे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो हमारा एनालिसिस था इसके अंदर अगर हम देखें, अब बात करें कि आपको किसके अंदर ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है, किसकी जीत हुई है, तो देखिए अब बात करता हूँ पहले सबसे पहले प्राइजेस की कि HDFC के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, 1,060 रुपये है और SBI ब्लू चिप के फंड का जो प्राइस है वो सिर्फ 85 रुपये है। तो मैं आपको बता दूँ प्राइस से जो इसका NAV होता है, किसी भी फंड का जो NAV होता है उसके प्राइस से आपके रिटर्न्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप 5,000 रुपये का SIP करते हैं तो आपको सिर्फ तकरीबन 5 यूनिट मिलेंगे इस HDFC टॉप फंड की, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको तकरीबन 5,000 रुपये लगाते हैं तो आपको 50 यूनिट से भी ज़्यादा मिल जाएंगे, है ना। तो एक तरफ आपको सिर्फ मिलने वाले हैं 5 यूनिट और एक तरफ आपको मिलने वाले हैं 50 यूनिट, 50 से भी ज़्यादा बल्कि। तो उस कंडीशन में आपको लगेगा शायद HDFC के अंदर मुझे कम फायदा होगा और SBI ब्लू चिप में ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की ही जो कंपनी होती है, जो ये जो प्राइस जो डिसाइड होते हैं वो होते हैं जिन कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं उनके प्राइस के हिसाब से इसका जो NAV होता है वो डिसाइड होता है। तो HDFC टॉप 100 फंड के अंदर जो कंपनीज के अंदर जो शेयर्स हैं वो ऐसी कंपनीज हैं जिनकी जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा है। जब शेयर प्राइस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है उसका जो NAV है म्यूचुअल फंड का वो भी ज़्यादा होगा। SBI ब्लू चिप फंड के अंदर जो कंपनीज हैं वो ऐसी कंपनीज हैं जिनके अंदर लार्ज कैप कैटेगरी की है वो, लेकिन उन शेयर का प्राइस थोड़ा कम होगा इसलिए उसका प्राइस कम है म्यूचुअल फंड का। तो प्राइस से आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात करते हैं रिटर्न्स की कि किसके अंदर ज़्यादा रिटर्न्स मिलने वाले। तो देखिए क्लियर अगर हम देखें पिछले 3 साल के अंदर विनर हमारा है SBI टॉप 100 फंड। तो SBI ने अगर देखें तो 16.23% का रिटर्न निकाल के दिया है और इसने 21.44% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो HDFC ने तकरीबन 5% से भी 5.25% का रिटर्न ज़्यादा निकाल के दिया है SBI ब्लू चिप फंड की अपेक्षा। इस तरह से देखें तो देखिए HDFC ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म दिया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी है। अब बात करेंगे इनकी एवरेज की। देखिए एवरेजिंग के अंदर अगर हम देखें तो दोनों के जो रिटर्न्स है उसके अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो इसका जो रिटर्न्स है यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसके अंदर SBI विनर रहेगा क्योंकि देखिए SBI के रिटर्न्स भी फालतू है 1%, है ना, और इसके चार्जेस भी कम है और इसके जो एवरेज रिटर्न भी कम है और चार्जेस भी थोड़े से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में एवरेजिंग के अंदर HDFC 1% कम रिटर्न देगा SBI के मुकाबले। और अगर हम उसकी बात करें 3 साल के रिटर्न्स की तो देखिए HDFC टॉप 100 फंड क्लियर सा विनर दिख रहा है। और देखिए बाकी सब चीज़ें तो बराबर सी हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप 1,000 रुपये की SIP करते हैं दोनों फंड्स के अंदर तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है।
एवरेजिंग सारा का सारा जो रिटर्न है वो मैं आपको बता दूँ एक्सपेंसिस रेशियो घटाने के बाद है, एवरेजिंग जो प्राइस है, जो एवरेजिंग रिटर्न है उसके ऊपर सारी कैलकुलेशन है और उसी के हिसाब से ही सारी चीज़ें एज्यूम की गई है कि आपको रिटर्न मिलने वाले हैं। रिटर्न थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात करेंगे अगर आप 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 1,000 रुपये की SIP, और आप HDFC टॉप 100 फंड के अंदर 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो 10 साल में आपको सबसे पहले मिलेंगे 258,000 रुपये। 20 साल के लिए अगर निवेश करते हैं, अपनी SIP कंटिन्यू करते हैं, तो आपको मिलने वाले हैं 12,80,000 रुपये और 30 साल के अंदर आपको मिलने वाले हैं 53,00,000 रुपये। क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हमारे SBI ब्लू चिप फंड के अंदर अगर आप 1,000 रुपये की SIP करते हैं तो आपको किसमें ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो देखिए 1,000 रुपये के अंदर अगर 10 साल के लिए करते हैं तो आपको मिलेंगे 10 साल में 276,000 रुपये। 10 साल के अंदर 1,000 की SIP करने पर 1,20,000 रुपये का निवेश होगा और उसके बदले में आपको 276,000 रुपये मिलेंगे। ऑलमोस्ट आपका जो पैसा है वो डबल से ज्यादा हो जाएगा। 20 साल में आपको मिलेंगे 14,94,000, तकरीबन 15,00,000 रुपये मिलेंगे 20 साल के अंदर अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो। 30 साल की बात करेंगे, 30 साल के अंदर आपको मिलेंगे 68,47,000 रुपये, मतलब तकरीबन 68 लाख आपको जो रिटर्न है 68 लाख आपको रुपीस में मिलेंगे अगर आप SBI ब्लू चिप फंड में निवेश करते हैं 30 साल के लिए सिर्फ 1,000 रुपये की SIP से। तो देखिए बात करें कंक्लूजन की, कंक्लूजन मेरा ये है कि SBI और HDFC दोनों ही अच्छे फंड हैं। हाँ, ये चीज़ देखने वाली है कि SBI के जितने भी हमारे फंड्स हैं, अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, आप SBI की किसी भी स्कीम को उठा के देख लें, मैक्सिमम स्कीम आपको जो इसके दूसरे भाई बहन हैं, जो इसके कैटेगरी के दूसरे फंड्स हैं, उनसे आपको इसका रिटर्न कम देखने को मिलेगा। अब इसका जो रीज़न है, देखिए इसका SBI का इंटरनल इश्यूज़ है, इनकी इंटरनल जो मैनेजमेंट थी उनका इश्यूज़ थे, फंड मैनेजर को चेंज हुए थे, इस वजह से कुछ जो इनके रिटर्न हैं थोड़े कम हुए हैं, इस वजह से आपको इसके अंदर रिटर्न्स कम देखने को मिल रहे हैं SBI की सारी स्कीम्स के अंदर। तो इस तरीके से देखा जाए तो HDFC टॉप 100 फंड जो है वो बहुत ही अच्छा फंड निकल कर आया है। अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो देखिए आज की स्थिति में HDFC के अंदर आप अगर आप रिटर्न मतलब निवेश करते हैं तो आपको शायद ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे आने वाले सालों में। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूँ, SBI भी पीछे नहीं है। अगर आप SBI निवेश करते हैं तो देखिए आप इस चीज़ से आईडिया लगाइए कि इसने पिछले 3 साल के अंदर खराब परफॉर्म करा है, उसके बाद भी इसका एवरेज रिटर्न इससे ज़्यादा है HDFC से। और मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारा जो SBI ब्लू चिप फंड है ये HDFC टॉप 100 फंड से ज़्यादा पुराना फंड है, ज़्यादा पुराना होने के बाद भी इसका एवरेज रिटर्न इससे ज़्यादा है। तो देखिए ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, मैनेजमेंट से ऊपर नीचे होती रहती है फंड स्कीम्स के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि फंड बेकार हो गया, फंड अच्छा है। अब इसने रफ्तार पकड़ ली है, आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे SBI का जो रिटर्न है इससे ज़्यादा हो जाएगा HDFC से शायद, क्योंकि ये फंड बहुत ही अच्छा है, इसकी जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छी है, फंड मैनेजर बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरा दिल से तो हमेशा ही निकलता है कि आप SBI के साथ जाएं, लेकिन देखिए HDFC टॉप 100 फंड बहुत अच्छा है, इसके साथ भी आप निवेश कर सकते हैं, या दोनों के अंदर 2,000 रुपये की SIP करते हैं तो आप 1,000 रुपये की दोनों के अंदर SIP कर सकते हैं, जिससे कि आपको मिला जुला रिटर्न मिले दोनों से। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करें बिना नहीं जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाएंगे। अगर आपका किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटे के निशान को दबाकर फिर आपको अपना कमेंट लिखना होगा। जय हिंद।